आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखे लास्ट तक देखा कि मसीह जीवन में लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। जब सैनिक लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां यीशु के लिए रो रही थी, बिलाप कर रही थी। तो यीशु ने उन स्त्रियों की ओर फिरकर कहा था, हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुम मेरे लिए नहीं वरन अपने बच्चों के लिए जाकर रो, क्योंकि तुम लोगों ने अपने बच्चों को जन्म देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि देखो वे दिन आते हैं, कौन से दिन आते हैं, जिनमें वे लोग कहेंगे धन्य है वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो ना जने और जो वे स्थान जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे लोग कहेंगे, रेप्चर हो जाने के बाद जो लोग यहाँ बच जाएंगे वे लोग कहेंगे पहाड़ों से, कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें ढाप लो। उस समय लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो बहुत मजा आ रहा है लड़कियों को पटाने में और सेक्स वीडियो देखने में। अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अभी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा नज़र आ रहा है, अच्छा ही अच्छा नज़र आ रहा है। रात में लड़कियों से बात करो और सुबह उठकर स्वर्गदूतों की तरह प्रार्थना करो। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, यीशु तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है कि तुम पाप भी करो और यीशु मसीह तुमको स्वर्ग भी लेकर जाएगा। ये ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल देना। अगर परमेश्वर के हाथ में पड़ गए तो परमेश्वर आपकी जान निकाल लेगा उस नरक में। कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे, कब तक लड़कियों की ताक झांक में लगे रहोगे, कब तक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाते रहोगे, क्या अंत नहीं? अभी छोड़ दो और बंद कर दो, वरना यही मस्ती आपको एक दिन नरक में ले जाएगी, नरक में ले जाएगी। वरना जो आपके शरीर में जो गर्मी भरी है ना, वो उसी अनंत काल की आग में निकल जाएगी। तब आपकी गर्लफ्रेंड भी वहां से निकालने नहीं आएगी। जरा सोचो, अगर आप इसी तरह पाप करते करते किसी दिन अचानक मर गए तो आपको हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाना पड़ जाएगा, नरक में जाना पड़ जाएगा। इस बात को याद रखना। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और टोंडों और मूर्तिपुंज को और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। आंख खोलकर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, मजाक मस्ती अपनी जगह। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो होगा और जो आगे होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है। बाइबल गवाह है इस बात की, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो अपने ख्याल दिल और दिमाग से निकाल देना कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। परमेश्वर तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है। जीजस वार्निंग। आज एक मसीह यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद घिनौना काम कर रहा है और जो एक मसीही को नहीं करना चाहिए, और आज एक मसीह अपना जीवन ऐसे बिता रहा है कि उसे कभी मरना ही नहीं है। इस बात को याद रखना, जब आपको दूसरी मृत्यु दी जाएगी तब वहाँ खूब एक दूसरे को लव यू करना और खूब सेक्स वीडियो देखना, उस समय इतना हाहाकार मचा होगा। उस अनंत काल की आग में जलना ही पड़ेगा। अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, अभी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है, अभी बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अभी आपके पास पूरा समय है, छोड़ दो। क्यों नर्क में जाना चाहते हो? वहाँ एक दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, वहाँ एक या दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा नरक में, नहीं डाला कि हमेशा हमेशा के लिए उस नरक में डाल दिया जाएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है और सेक्स वीडियो देखने में कैसे मजा आता है और सेक्स वीडियो क्या होता है। यीशु ने वचन में साफ साफ कहा है, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मगर वह मनुष्य अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में खिंचकर फंसकर पाप कर देता है। थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा शारीरिक मजा लेने के चक्कर में वह व्यक्ति भूल जाता है कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा, परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा। बहुत महंगा पड़ेगा नरक में जाना, वहाँ ना आग बुझेगी और ना वहाँ कीड़े मरेंगे, वहाँ आपको हमेशा हमेशा के लिए डाला जाएगा। पहले तो मरने के बाद आपकी आत्मा अधोलोक में चली जाएगी और फिर आपकी आत्मा वह अधोलोक से निकाल कर स्वर्ग सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, और फिर उसका न्याय किया जाएगा, और उसको उसी न्याय के आधार पर उसको परमेश्वर उसको वही शरीर पहना के परमेश्वर उसको नरक में फेंक देगा।
जहाँ क्या कभी नहीं बुझती है, जहाँ के किले कभी नहीं मरते हैं, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, जहाँ आग भी जलाएगी, जहाँ कीड़े भी काटेंगे, बड़े बड़े कीड़े होंगे, तब उसको वहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए अपना मन फिरा लो, अभी समय है, अभी समय है, यीशु के पास लौट आओ, यीशु के पास लौट आओ। अगर आप अपना मन नहीं फिराओगे, इसलिए यीशु ने कहा था अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जो परमेश्वर ने आपको समय दिया है, इस समय का पूरा पूरा इस्तेमाल करो, पूरा पूरा समय परमेश्वर को दीजिए। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें अपने मसीह भाइयों के पास। आप सभी को जय मसीह की।